गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकोफिजिक्स बेसिक प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोफिजिक्स है क्या? साइकोफिजिक्स यानी मनोभौतिकी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। साइकोफिजिक्स प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का एक विषय है, एक टॉपिक है, जिसका हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। यानी साइकोफिजिक्स एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। साइकोफिजिक्स शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, साइको प्लस फिजिक्स। साइको का अर्थ होता है उद्दीपक, फिजिक्स का अर्थ होता है अनुभव। यानी कि उद्दीपक के प्रति व्यक्ति अथवा प्राणी जो अनुभव करता है, किसी उद्दीपक में अगर थोड़ा बहुत चेंज किया जाए या उद्दीपक का नेचर, उद्दीपक की प्रकृति अगर चेंज होती है, तो क्या प्राणी में पैदा होने वाला रिस्पॉन्स अथवा एक्सपीरियंस भी चेंज होता है? मान लो कि मैं एक रूम में बैठा हूँ और उस रूम में 10 वॉट का बल्ब लगाया हुआ है, तो उद्दीपक क्या है? 10 वॉट का बल्ब। अब इस उद्दीपक में थोड़ा चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया, 10 वॉट की जगह 15 वॉट का बल्ब लगा दिया गया, तो स्टिमुलस में जितना चेंज हुआ, जितना परिवर्तन किया गया, क्या मेरी दिखाई देने की कैपेसिटी, दिखाई देने की एबिलिटी, क्या मुझे जितना दिखाई 10 वॉट के बल्ब में दे रहा था, अब 15 वॉट के बल्ब में क्या मेरी देखने की एक्यूरेसी या देखने की क्लैरिटी ज़्यादा हो गई है? यस। तो स्टिमुलस और एक्सपीरियंस के बीच जो मात्रात्मक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, उसको हम साइकोफिजिक्स में अध्ययन करते हैं। उद्दीपक और उद्दीपक के प्रति प्राणी में होने वाले मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक संबंध को साइकोफिजिक्स में स्टडी किया जाता है। साइकोफिजिक्स शब्द का इस्तेमाल, यू कहे साइकोफिजिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीटी फैकनर ने 1860 में अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स में किया। जीटी फैकनर ने 1860 में एक बुक लिखी, एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स, उसमें सबसे पहले साइकोफिजिक्स शब्द सुनने को मिला। उसके बाद अलग अलग लोगों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने साइकोफिजिक्स का अध्ययन किया कि साइकोफिजिक्स है क्या, इसमें किस बात का अध्ययन किया जाता है, इसमें किस बात को स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली साइकोफिजिक्स एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एक एरिया है, हम यूँ कह सकते हैं एक ब्रांच है, जिसमें स्टिमुलस, उद्दीपक और उद्दीपक के प्रति जो प्राणी रिस्पॉन्स करता है, उन दोनों के संबंध को स्टडी किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं स्टिमुलस क्या है, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ कि स्टिमुलस। तो स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस यानी उद्दीपक, वातावरण, एनवायरनमेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी एनर्जी जो आप में रिस्पॉन्स पैदा कर दे, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। हमने पढ़ा भी है, वातावरण में कोई भी ऊर्जात्मक परिवर्तन, वातावरण में कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या कोई भी थोड़ा सा चेंज आया है जिससे हमने रिस्पॉन्स किया, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। वातावरण में कोई भी ऊर्जात्मक परिवर्तन जिसके प्रति प्राणी अनुक्रिया करता है, उद्दीपक कहलाता है। रिस्पॉन्स, उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया रिस्पॉन्स कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण देके बता रखा है कि नॉर्मली हमें सुनाई देने के लिए क्या मानते हैं हम, कि 20 हर्ज टोन की ध्वनि काफ़ी होती है, 20 हर्ज टोन की वॉल्यूम पर, साउंड पर हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो मान लीजिए इसमें बता रखा है कि किसी ध्वनि की तीव्रता, कोई साउंड आ रही है जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी तीव्रता है 100 हर्ज टोन की, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि अगर स्टिमुलस को बढ़ाकर, स्टिमुलस जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको बढ़ाकर 100 से 200 हर्ज टोन कर दिया जाता है, तो क्या सुनने की अक्षमता में परिवर्तन आएगा? यस।
अगर आएगा तो कितना परिवर्तन आएगा। जिस तरह की आवाज़ मुझे 100 हर्ज टोन पर सुनाई दे रही थी, अब स्टिमुलस को दुगना कर दिया गया है, उद्दीपक की तीव्रता 100 से 200 कर दी गई है। तो क्या मेरी सुनाई देने की क्लैरिटी भी पहले से दुगनी हो जाएगी, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस बात का अध्ययन हम साइकोफिजिक्स में करते हैं। अब बात आती है इसकी समस्या की, कि साइकोफिजिक्स में समस्याएं क्या है, साइकोफिजिक्स में प्रॉब्लम्स क्या है। उद्दीपक और उद्दीपक से पैदा होने वाला रिस्पॉन्स, यानी प्राणी के अंदर एक्सपीरियंस, उद्दीपक के प्रति जो व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, उसमें कई बार तीन तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। इसमें बेसिकली तीन तरह की प्रॉब्लम्स बताई गई है। पहली क्या है, सबसे पहली है अल्पतम उद्दीपकों की पहचान से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिटेक्शन ऑफ मिनिमल स्टिमुलाई। इसमें क्या बता रखा है, जैसा कि हम सभी को पता है, व्यक्ति में किसी भी तरह का रिस्पॉन्स अथवा अनुक्रिया पैदा करने के लिए स्टिमुलस की एक मिनिमम, यानी कि उसका एक मिनिमम लेवल जरूरी होता है जिससे व्यक्ति में रिस्पॉन्स पैदा कर दे। जैसा अभी हमने बताया, सुनाई देने के लिए कम से कम 20 हर्ज टोन की ध्वनि जरूरी होती है। अगर किसी भी तरह की साउंड, किसी भी तरह की वॉल्यूम की फ्रीक्वेंसी या तीव्रता 20 हर्ज टोन से कम है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। तो किसी भी तरह का व्यक्ति में रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए स्टिमुलस की जो एक मिनिमम मात्रा, मिनिमम लेवल सेट होता है जिससे व्यक्ति में रिस्पॉन्स पैदा हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस की जो मिनिमम मात्रा जिससे हम रिस्पॉन्स कर दें, जैसे हर एक स्टिमुलस की, हर तरह की अनुक्रिया करने के लिए एक मिनिमम मात्रा सेट होती है। जैसे मान लीजिए एक चाय का उदाहरण लेते हैं, चाय में चीनी कितनी हो जिससे मुझे मिठास का अनुभव हो। अनुक्रिया क्या करनी है, मुझे मिठास को डिटेक्ट करना है। अब चीनी स्टिमुलस, चीनी की कितनी मात्रा हो जिससे मैं ये कहूँ कि हाँ चाय मीठी है, 1 चम्मच, 2 चम्मच। तो ये जो स्टिमुलस की मात्रा होती है जिससे व्यक्ति में रिस्पॉन्स पैदा हो सके, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है और सिचुएशन टू सिचुएशन भी वैरी करती है। मान लीजिए कि अभी हमने उदाहरण देखा कि सुनाई देने के लिए 20 हर्ज टोन की तीव्रता जरूरी होती है, ध्वनि की 20 हर्ज टोन की वॉल्यूम जरूरी होती है। एक शांत रूम में तो ठीक है, एक रूम में बैठे हैं जिसमें कोई शोर नहीं हो रहा, उसमें हमें 20 हर्ज टोन की ध्वनि सुनाई दे जाएगी। लेकिन क्या एक ऐसा रूम जहाँ पहले से म्यूजिक बज रहा है, पहले से लोगों का शोर आ रहा है, तो क्या उसमें भी हमें 20 हर्ज टोन की ध्वनि सुनाई देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो स्टिमुलस की, उद्दीपक की मिनिमम मात्रा होती है, मिनिमम लेवल होता है जिससे प्राणी रिस्पॉन्स कर सके, इस मिनिमम मात्रा, इस मिनिमम लेवल को क्या कहा जाता है, सीमांत उद्दीपक, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। अब कुछ स्टिमुलस की तीव्रता, ये जो मिनिमम लेवल होता है, इससे कम होती है, कुछ स्टिमुलस की तीव्रता जो मिनिमम लेवल होता है इससे अधिक होती है। जिन स्टिमुलस की तीव्रता या जिन स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी, पावर इस मिनिमम लेवल से कम होती है, इनको सबली माइनल स्टिमुलस कहा जाता है, जो हमारे कॉन्शियस लेवल पर एंटर ही नहीं कर पाते, जिसे हम नोट ही नहीं कर पाते। जैसे कि किसी की आवाज़ 20 हर्ज टोन से कम है, मिनिमम लेवल क्या है वॉल्यूम का, ध्वनि का 20 हर्ज टोन, अगर उससे कोई आवाज़ कम है तो हम कहेंगे कि हमें तो आवाज़ सुनाई नहीं दी। ये किस तरह का स्टिमुलस है, सबलीमाइनल स्टिमुलस। और दूसरे तरह के स्टिमुलस जिनकी पावर, जिनकी फ्रीक्वेंसी तीव्रता मिनिमल लेवल से ऊपर की होती है, उनको सुपरलीमाइनल स्टिमुलस कहा जाता है, अधिसीमा उद्दीपक कहा जाता है। तो पहली, सबसे पहली समस्या यही है कि उद्दीपक का मिनिमम, कम से कम, निम्नतम स्तर कितना हो जिससे
व्यक्ति में रिस्पॉन्स पैदा हो सके, जिससे व्यक्ति अनुक्रिया कर सके। इसमें आपकी बुक में एक उदाहरण दे रखा है, वो पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। किसी ध्वनि विरोधी कमरे में साधारण तीव्र ध्वनि को आसानी से सुना जा सकता है। कोई ऐसा रूम है, साउंड प्रूफ रूम है, उसमें एक छोटी सी ध्वनि को भी आसानी से सुना जा सकता है। परंतु ऐसा कमरा जहाँ शोरगुल काफ़ी हो रहा है, उस ध्वनि को सुनने लायक होने के लिए उसे काफ़ी तीव्र होना आवश्यक है। उसी तरह से अंधेरे कमरे में हल्की रोशनी को हम तुरंत देख सकते हैं, परंतु यदि कमरे में पहले से ही काफ़ी रोशनी हो तो उस हल्की रोशनी को संभवतः हम देख भी नहीं पाते। तो ये जो रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए पहले इसने साउंड का उदाहरण लिया, फिर इसने लाइट का उदाहरण लिया। तो इन दोनों की मात्रा, इन दोनों का लेवल, व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति चेंज होता रहता है। दूसरी समस्या क्या है साइकोफिजिक्स में? दूसरी समस्या है अल्पतम उद्दीपक अंतर की पहचान से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिटेक्शन ऑफ मिनिमल स्टिमुलस डिफरेंस। कई बार क्या होता है, हमारे सामने दो तरह के स्टिमुलस हैं, एक ही प्रवृत्ति के दो तरह के स्टिमुलस हैं। जैसे एक 10 हर्ज टोन की साउंड है, एक 15 हर्ज टोन की साउंड है। तो इन दोनों में अगर अंतर की बात करनी हो तो हमें कैसे पता चले कि अब 10 हर्ज टोन की आवाज़ आ रही है, अब आवाज़ को बढ़ाकर 10 की बजाय 15 कर दिया गया है। जैसे मुझे 10 हर्ज टोन की आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ को बढ़ा के 11 पे कर दिया गया, उसके बाद 12 पे किया गया, 13 पे किया गया, मुझे कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, मुझे नहीं पता चला कि आवाज़ को धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही आवाज़ 15 पे पहुंची, मैंने कहा कि आवाज़ को पहले जितना कर दो, अब आवाज़ तेज हो गई है, आवाज़ को पहले जितना स्लो कर दो। यानी स्टिमुलस की मात्रा में कितना चेंज व्यक्ति पहचान कर पाता है। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिटेक्शन ऑफ मिनिमल स्टिमुलस डिफरेंस, दो उद्दीपकों के बीच में कम से कम कितना अंतर व्यक्ति पहचान कर पाता है, उनकी मात्रा में कितना चेंज हुआ है जिसे व्यक्ति पहचान कर पाता है। ये जो दो स्टिमुलस के बीच में जो मिनिमम चेंज होता है, इसे डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का एक दूसरा नाम है लाइमन, डिफरेंशियल लाइमन भी कहा जाता है। जो दो उद्दीपकों के बीच जिस न्यूनतम अंतर को हम पहचान कर पाते हैं, उसे जस्ट नोटिसिएबल डिफरेंस भी कहा जाता है। इसमें बता रखा है एक ही सेंसरी चैनल के लिए दो उद्दीपकों के बीच डिफरेंस का जो मिनिमम वैल्यू होती है, उसे जस्ट नोटिस, वही बात बता रखी है इसमें जो मैंने आपको बताई है, दो स्टिमुलस की मात्रा के बीच में कितना अंतर हो जिसे व्यक्ति पहचान कर पाता है। जैसे एक इसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कई तरह के वेट बॉक्स है। वेट बॉक्स यानी कि छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जिसमें वेट होता है, जिसमें वजन होता है, उन पे उनका मान लिखा होता है, उनकी वैल्यू लिखी होती है। आपने 50 ग्राम का वेट उठाया, उसके बाद 55 का उठाया, उसके बाद 57 का उठाया, 58 का उठाया। 50 के बाद वेट में चेंज होता गया, वेट बढ़ता गया, आपको नहीं पता चला, आपने आंख बंद की, आपको बारी बारी से सारे वेट बॉक्स उठाने के लिए कहा गया। जैसे ही 50 के बाद 55, 57, 58, जैसे ही आपने वेट बॉक्स उठाया 60 का, आपने कहा कि ये भारी है। पहले जो वेट बॉक्स उठाए गए उनका वेट सेम था, ये उससे भारी है। तो 58 तक आपका रिस्पॉन्स सेम था, और 58 से 60 की वैल्यू आते ही आपने कहा कि वेट बॉक्स भारी है। तो ये जो दो का अंतर है, ये क्या है आपका? जस्ट नोटिसिएबल डिफरेंस।
इसके बाद आता है उद्दीपकों के बीच, तीसरी समस्या क्या आती है, उद्दीपकों के बीच संबंधों के निर्णय से संबंधित समस्या। जब दो स्टिमुलस के बीच हम अंतर की बात करते हैं, उनमें कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है भी या नहीं है। जब हम डिसीजन देते हैं कि पहला उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से भारी है या पहला स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस से हल्का है, तो कई बार हमारे निर्णय में त्रुटि, हम गलत निर्णय दे देते हैं, एरर आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। तो तीसरी समस्या इसी बात से संबंधित है कि पहले उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक से हम ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन दो स्टिमुलस के बीच अंतर की पहचान करते हुए हमने किस तरह की गलती और किस दिशा में गलती की है, एरर। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द जजमेंट ऑफ रिलेटिंग अमंग स्टिमुलाई। दो या दो से ज़्यादा अलग अलग स्टिमुलस है, अलग अलग उद्दीपक है, उनके बारे में जब हम डिसीजन लेते हैं तो उससे रिलेटेड हम कई तरह की त्रुटियां कर जाते हैं। तो ये तीन तरह की समस्याएं साइकोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। अपने सिलेबस में हम इन तीनों तरह की समस्याओं को स्टडी करेंगे। साइकोफिजिक्स, एक बार रिपीट कर देते हैं पूरा टॉपिक, साइकोफिजिक्स दो शब्दों से मिलके बना है, साइको प्लस फिजिक्स। साइको का मतलब होता है उद्दीपक, फिजिक्स का मतलब होता है उस उद्दीपक के प्रति किया जाने वाला रिस्पॉन्स, अथवा उस उद्दीपक से व्यक्ति में क्या अनुभव हुआ। साइकोफिजिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1860 में जीटी फैकनर ने अपनी बुक एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स में किया है। कोई पूछ ले आपसे साइकोफिजिक्स क्या होती है, तो हम कहेंगे साइकोफिजिक्स एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है, जिसमें स्टिमुलस और उस स्टिमुलस के प्रति व्यक्ति में होने वाले रिस्पॉन्स को स्टडी किया जाता है। यानी कि स्टिमुलस और स्टिमुलस के प्रति हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस और एक्सपीरियंस के प्रति जो मात्रात्मक संबंध होता है, उसको हम साइकोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। साइकोफिजिक्स में तीन तरह की समस्याओं को हमने डिस्कस किया। सबसे पहली समस्या क्या है, सबसे पहली समस्या है कि स्टिमुलस का मिनिमम वैल्यू, स्टिमुलस की उद्दीपक की निम्नतम मात्रा कितनी हो जिससे व्यक्ति रिस्पॉन्स कर सके, इसे थ्रेशोल्ड कहा जाता है। एक तरह से थ्रेशोल्ड यानी दहलीज, जैसे मकान की दहलीज नहीं होती, अगर उस दहलीज से एक इंच बाहर की तरफ है तो दैट इज़ आउटसाइडर, और एक इंच उस लाइन उस दहलीज से अंदर की तरफ है तो वो अंदर समझा जाता है। तो ऐसे ही स्टिमुलस की एक मिनिमम वैल्यू सेट होती है, अगर स्टिमुलस उससे ऊपर का है तो वो हमारी सेंसेस में एंटर कर जाता है, अगर स्टिमुलस की मात्रा उस मिनिमम लेवल से कम है तो वो हमारी सेंसेस में एंटर नहीं कर पाता। दूसरी समस्या क्या है, दो स्टिमुलस के बीच में कितना डिफरेंस को हम, कितने अंतर को हम नोटिस कर पाते हैं। इन दोनों तरह की बातों में ये देखा जाता है 50% ऑफ द टाइम, कि मान लो 50% ऑफ द टाइम ये है कि आप 50% कि कम से कम अगर आपके सामने 10 बार कोई स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया है तो उसमें से आधी बार आप उसकी मिनिमम मात्रा की पहचान कर सको, और अगर आपसे 10 बार दो स्टिमुलस के बीच में अंतर पूछा गया है तो उससे आधी बार आप उस अंतर की पहचान कर सको। अगर ये दोनों ही चीज़ें 50% ऑफ द टाइम हो जाती है तो हम इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं। तीसरी समस्या क्या है, उद्दीपकों के बीच संबंधों के निर्णय से संबंधित समस्या। जब दो स्टिमुलस के बीच अंतर की बात करते हैं और उस अंतर को पहचानने के लिए हम किस किस तरह की गलतियां कर देते हैं, एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से छोटा बता देते हैं जबकि वो इक्वल होता है, या फिर एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू से कम या ज़्यादा मान देते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। साइकोफिजिक्स का नेचर और इनकी तीनों प्रॉब्लम आप अच्छे से पढ़ लेना। टेक केयर, थैंक यू।